अगर आप दिन भर में बहुत ज्यादा टाइपिंग करते हैं, मेनली आपका काम ही है टाइपिंग करना दिन भर, भले ही वो ऑफिशियल वर्क क्यों ना हो या फिर आप फ्रेंड से चैट करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आप टाइपिंग करते हैं बहुत ज्यादा और आप थक जाते हैं, बिल्कुल टायर्ड हो जाते हैं, मेनली कीपैड के थ्रू, भले वो मोबाइल फोन का कीपैड हो गया, टैबलेट का कीपैड हो गया, और अगर आपको इशू ओवरकम करना है टाइपिंग का कीपैड के थ्रू, सो अगर आप एक चाहते हैं प्रॉपर आपको एक गैजेट मिल जाए जो कि आपका टाइपिंग का इशू है ओवरकम कर ले, और मेरे पास आया हुआ है बिल्कुल बढ़िया सा प्रोडक्ट, आप बोल सकते हैं फिंगर्स ब्रांड की तरफ से, दैट इज फिंगर्स लिल क्लिक्स ब्लूटूथ प्लस वायरलेस कीबोर्ड। इसका एक्चुअल प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 2500 रुपीज, लेकिन ये स्पेशल डिस्काउंट प्राइस में चल रहा है, इसको आप अप्रॉक्सिमेटली 1800 रुपीज के आसपास ग्रैब कर सकते हैं, और ये मुझे बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट लगा। इसके सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलने वाला है, इसको आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइस से, एक टाइम पे आप तीन तीन डिवाइस से, भले वो फोन आपका हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, तीन डिवाइस से एक ही टाइम पे इसको आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही में इसमें आपको वायरलेस का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यूएसबी रिसीवर मिलने वाला है, उससे भी आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। और कैसे एक्जैक्टली फंक्शनिंग है, कितना आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी गई है, कैसे इसका यूज आपका डेली डे टू डे लाइफ में आप बोल सकते हैं, कैसे इसकी कनेक्टिविटी होगी, एक एक प्रॉपर डिटेलिंग आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि एंड तक पॉसिबल से आप डिसाइड कर पाए सब देखने के बाद कि ये कितना यूजफुल प्रोडक्ट है और हमारे डे टू डे लाइफ में इसका कितना यूज है। So hope you like this one, and if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So let's get started. तो यहाँ पे आपको फिंगर्स लिल क्लिक्स ब्लूटूथ प्लस वायरलेस कीबोर्ड का ऐसे स्लीक डिजाइन का आपको बॉक्स मिल जाएगा। बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा एक थैंक यू कार्ड, एंड साथ ही में इसमें आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो आपका प्रोडक्ट है प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। एंड बैक साइड में यहाँ पे आपको जो फिंगर ब्रांड की तरफ से अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, यहाँ पे आपको छोटा सा इसका ओवरव्यू दिया गया है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में एक यूजर मैनुअल मिल जाएगा, इसमें आपको पूरी प्रॉपर डिटेलिंग मिलने वाली है प्रोडक्ट के बारे में, कैसे आप मल्टीपल कनेक्टिविटीज कर सकते हैं अलग अलग डिवाइस से कीबोर्ड की, वैसे मैं आपको आगे सब बताने वाला हूँ। एंड इसमें आपको 12 डिफरेंट शॉर्टकट कीज मिलने वाली है, कैसे एक्जैक्टली वर्क करती है, उनकी फंक्शनलिटी कैसी आप चेकआउट कर सकते हैं। एक माइक्रो यूएसबी का चार्जिंग केबल मिलेगा टू चार्ज योर कीबोर्ड। मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द कीबोर्ड यू विल बी गेटिंग, बिल्कुल आपको प्रॉपर स्लीक डिजाइन का कीबोर्ड मिल जाएगा, 10mm की थिकनेस दी गई है, 265mm का आपको ब्रॉड कीबोर्ड मिलने वाला है। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी से ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, एंड जो यहाँ पे स्पेस दिया गया है आप देख सकते हैं प्रॉपर, यहाँ पे आपको जो टैबलेट या स्मार्टफोन है उसको आप प्लेस करके अपने हिसाब से कनेक्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रॉपर आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। एंड जो कीज दी गई बिल्कुल आपको यहाँ पे अल्ट्रा सॉफ्ट ऑफ कीज बोल सकते हैं, आपको एक्सेसिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड जो कीज के नीचे एरिया दिया गया है प्रॉपर आपको मेम्ब्रेन कोटेड आपको एरिया मिल जाएगा, जिससे आप बिल्कुल बोल सकते हैं डस्ट और मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, ऐसे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड ऊपर आप देख सकते हैं प्रॉपर आपको 12 डिफरेंट शॉर्टकट कीज मिलने वाली है, आप प्ले पॉज कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, मल्टीपल आपको शॉर्टकट कीज भी मिल जाएंगी प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी के साथ। एंड साइड में आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलेगा टू चार्ज योर कीबोर्ड। एंड बैक साइड में आपको ऐसे चार पॉइंट्स मिल जाएंगे ताकि आप प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट कर पाए नीचे। एंड यहां पे आपको यूएसबी रिसीवर मिलने वाला है, अगर आपको वायरलेसली कनेक्ट करना है सिंपली आप प्लग इन प्ले करके कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप या पीसी से। एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर ऑन ऑफ का स्लाइडर बटन दिया गया, जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे लाइट्स ब्लिंक होती है, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएंगी फिर। एंड 1, 2, 3 बटन में आप देख सकते हैं BT1, BT2 और BT3 लिखा गया है, तीन आप कनेक्टिविटीज कर सकते हैं डिवाइस की। कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, फंक्शन प्लस वन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए तो ये ब्लूटूथ मोड में ऑन हो जाएगा। जैसे आप ऑन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लूटूथ की जो लाइट है यहाँ पे ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये कनेक्टिविटी मोड में आ चुका है। फिर आप सिंपली जो आपका डिवाइस है यहाँ पे आपको दिखा देगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में फिंगर्स लिल क्लिक्स, एंड सिंपल तरीके से आप पेयरिंग कर सकते हैं अपने डिवाइस से। सो इस तरीके से आप पहला जो डिवाइस हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। एंड अगर हमको दूसरा डिवाइस कनेक्ट करना है तो फॉर एग्जांपल आपको सेकंड डिवाइस करना है तो फंक्शन प्लस टू को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए तो फिर ये ब्लूटूथ मोड में ऑन हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ब्लिंकिंग हो जाएगी स्टार्ट, फिर आप मल्टीपल डिवाइस से इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, थर्ड डिवाइस से भी ऐसे आप कनेक्ट कर पाएंगे। सो इस तरीके से आप एक ही टाइम पे तीन डिवाइस से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप एक टाइम पे एक ही डिवाइस यूज कर सकते हैं कीबोर्ड के साथ। लेकिन हम डिवाइस स्विच करने की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लैपटॉप से और फोन से कनेक्ट कर चुका हूं, लेकिन आप तीन डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं एक टाइम पे। अभी फिलहाल जो भी मैं टाइपिंग कर रहा हूं यहाँ पे लैपटॉप पे हो रही है, अब आप देखेंगे जो भी यहाँ पे टाइपिंग होगी लैपटॉप पे होगी क्योंकि डिवाइस से अभी लैपटॉप से कनेक्टेड है कीबोर्ड हमारा। एंड अगर मेरे को स्विच करना है लैपटॉप से मेरे को मोबाइल फोन में स्विच करना है तो यहाँ पे जो फंक्शन और वन है, वन पे मेरा था सेव मोबाइल, तो मैं सिंपली फंक्शन और वन को एक बार लॉन्ग प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ब्लिंकिंग हो जाएगी, तो ये मेरा स्विच हो चुका है डिवाइस मोबाइल फोन पे। तो सिंपली मैं जो भी टाइप करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल फोन में ये टाइपिंग हो रही है। एंड मेरे को फिर से स्विच करना है मोबाइल फोन से लैपटॉप पे तो 2 में मेरा सेव्ड है लैपटॉप, तो फिर से मैं फंक्शन और 2 को लॉन्ग प्रेस करूंगा 1 सेकंड के लिए, ब्लिंकिंग हो जाएगी, तो मेरा डिवाइस स्विच हो
के लैपटॉप पे आ जाएगा। इस तरीके से जो मल्टीपल डिवाइस कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया गया है, ऐसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस कीबोर्ड के थ्रू। सो यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा एक्जैक्टली ये प्रोडक्ट जो कीबोर्ड है कितना यूजफुल है, मल्टीपल डिवाइस से आप कैसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं, कैसे आप स्विच कर सकते हैं डिवाइसेस को, और जो बिल्कुल ये कॉम्पैक्ट ही है इसको आप आराम से कहीं भी पोर्टेबल तरीके से कैरी कर पाएंगे, पोर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी से मुझे ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा है। एंड साथ ही में अगर हम बैटरी बैकअप की बात करेंगे, इसमें आपको 45 डेज तक का बैटरी लाइफ क्लेम किया गया। सिंपली इसको आप एक बार चार्ज कीजिए, आराम से ये बहुत टाइम तक चलने वाला है, उसको भी लेके कोई इशू नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, तीन डिवाइस से आप कनेक्ट कर सकते हैं एक टाइम पे, और एक टाइम पे एक ही डिवाइस तक चलेगा। और मैंने आपको एक्जैक्टली बता भी दिया कि स्विच कैसे कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस पे। सो आपका जो मेनली टाइपिंग का इशू है इसको आप डेफिनेटली लेकर ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे को वन ऑफ द यूजफुल प्रोडक्ट लगा, और सारे के सारे प्लेटफॉर्म के साथ ही कंपैटिबल भी है, भले वो विंडोज हो गया, आपका एंड्रॉइड हो गया, मैक ओएस, लिनक्स हो गया, और साथ ही में क्रोम ओएस हो गया, सबके साथ ही कंपैटिबल भी है। सो मेरे हिसाब से वन ऑफ द वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। अगर आपको टाइपिंग का जो आपका इशू है, या फिर आप बिल्कुल टाइपिंग करना नहीं चाहते हैं कीपैड के थ्रू, या बहुत ज्यादा टाइपिंग करते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, इसको आप डेफिनेटली ऑप्शन में रख सकते हैं ताकि आपका जो इशू है ओवरकम हो जाए। मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाकर आप चेकआउट करके इसको ग्रैब कर सकते हैं। अभी भी कुछ दिक्कत है, आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द फिंगर्स लिल क्लिक्स ब्लूटूथ प्लस वायरलेस कीबोर्ड। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।